मनपा के नवनिर्वाचित परिवहन समिति सभापति जितेंद्र उर्फ बंटी कुकड़े परिवहन समिति सभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने आज अपना पदभार संभाला। इस समय भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़ी, महापौर दयाशंकर तिवारी, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विपक्ष नेता तानाजी वनवे इस समय उपस्थित थे। नवनिर्वाचित परिवहन समिति सभापति जितेंद्र बंटी कुकड़े इनकी परिवहन समिति के सभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने आज अपना पदभार संभाला। इस समय भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़ी, महापौर दयाशंकर तिवारी, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे मुख्य रूप से उपस्थित थे। परिवहन समिति के सभापति पद पर जितेंद्र बंटी कुकड़े ये निर्विरोध चुने गए। उन्होंने आज ही अपने पद का पदभार संभाला। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े, महापौर दयाशंकर तिवारी, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, मनपा के विपक्ष नेता तानाजी वनवे सभी ने जितेंद्र कुकड़े इनका अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पद ग्रहण करने के बाद नव निर्वाचित सभापति बंटी कुकड़े बोले कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनका सपना था कि शहर के पर्यावरण को हानि न पहुंचे ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में होना चाहिए। उसी सपने को पूरा करने की कोशिश मैं अपने कार्यकाल में करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने अपने कार्यकाल में 83 डीजल बसों को 3 महीनों में CNG में कन्वर्ट किया। अब 167 बसें बाकी है। उन पूरी बसों को CNG में कन्वर्ट करने का मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही शहर की जनता को मनपा द्वारा आपली बस की सेवा दी जा रही है, वो सेवा अच्छे दर्जे की हो। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यह सत्ता पक्ष ने यह निश्चित किया, माननीय नितिन जी गडकरी के निर्देशों से मेरा नाम आया और बिन विरोध चुनाव होकर मैं परिवहन सभापति का जीत दर्ज हुई है। आज मैं परिवहन सभापति का यह चार्ज ले रहा हूँ। माननीय नितिन जी का एक स्वप्न था कि पर्यावरण पूरक सार्वजनिक वाहतूक हमारे नागपुर शहर में होनी चाहिए। जो बस से धुआं निकलता है, जो पर्यावरण खराब होता है, वो नहीं होना चाहिए। जब मैं इसके पहले भी सभापति था तब 3 महीनों में 83 बसेस को हमने CNG में कन्वर्ट किया, जो डीजल बसेस थी। अभी 167 बसेस बाकी है। वो 167 बसेस जितना मुझे समय मिलेगा उतने समय में पूर्णतः प्रामाणिक रूप से प्रयास करूंगा कि सारी की सारी बसेस वो CNG में कन्वर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक बसेस हमारी महिलाओं के लिए जो चलती है वो तेजस्विनी 6 इलेक्ट्रिक बसेस चलती है। साथ ही महिलाओं के लिए शहर में 6 इलेक्ट्रिक बसेस चलती है। जल्द ही मनपा द्वारा 15 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से 40 बसें शहर में आने वाली है। ऐसी कुल 65 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही शहर के रास्तों पर दौड़ेगी। साथ ही बाकी सभी बसें CNG पर चलेगी, जिससे शहर का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।